नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया के ऐसे टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताए होंगे, और इन फैक्ट्स को जानने के बाद आपको भारत देश का नागरिक होने पर गर्व महसूस होगा और आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है चेल क्रिकेट ग्राउंड। चेल क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड है चेल के हिमाचल प्रदेश राज्य में। यह दुनिया का पहला हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है जो कि सी लेवल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और इस क्रिकेट ग्राउंड को 1893 में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। फैक्ट नंबर 2, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। भारत में एक पोस्ट ऑफिस ऐसा भी है जो कि फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है। ये पोस्ट ऑफिस है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। ये पोस्ट ऑफिस श्रीनगर के डाल लेक में है और इसको एक बोट के शेप में बनाया गया है, और इसका उद्घाटन 2011 में जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने किया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस दुनिया में सिर्फ एक ही है जो कि हमारे भारत में है। फैक्ट नंबर 3, कुंभ मेला। दुनिया का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो भारत में कुंभ मेला लगता है, जो कि हर 12 साल बाद लगाया जाता है, और लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस मेले में शामिल होते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, इग्नू। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का नाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, और इस यूनिवर्सिटी को 1985 को स्थापित किया गया था, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली यूनिवर्सिटी है जिसमें 40 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट देश के अलग अलग राज्य से डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, इंडिया फर्स्ट स्मार्ट विलेज। राजस्थान के धौलपुर जिले का धनोरा गांव भारत का पहला स्मार्ट गांव है। इसको एक NGO इकोनीड फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। इस गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं और सभी घरों में टॉयलेट बनाया गया है, और सड़कों में रात को रोशनी के लिए सोलर लाइट भी लगाई गई हैं। और तो और, इस गांव में 3 किलोमीटर लंबी मैनमेड रिवर भी बनाई गई है जो कि वहां के फार्मर्स के खेतों की सिंचाई के लिए है। और इन्हीं सब फैसिलिटीज़ को देखते हुए इस गांव को 19,324 वोटों के साथ आदर्श ग्राम सम्मान कैटेगरी में पहला स्थान मिला है, और इस गांव को 16 जुलाई 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित भी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था, और आई होप ये फैक्ट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।